नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। हरियाणा राज्य की बात करते हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है जो कि जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। बीजेपी की सरकार ने मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विपक्ष जो है कांग्रेस, विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार के खिलाफ रख दिया है। अविश्वास प्रस्ताव पर आज यानी बुधवार को चर्चा होना है, अगर जरूरत पड़े तो इस पर वोटिंग भी होगी। बता दें कि किसान आंदोलन जो चल रहा है भारत में, उसमें हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। वहीं हरियाणा की राज्य पार्टी जननायक जनता पार्टी जो कि बीजेपी के साथ गठबंधन में है, उसके कुछ विधायक हैं, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो कि किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि गठबंधन की जो सरकार है वो तोड़ देनी चाहिए क्योंकि सरकार किसानों के खिलाफ जो कानून नए कृषि तीन बिल पास किए गए हैं वो वापस नहीं ले रही है। जी हाँ, बता दें कि हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं जिसमें अभी 88 विधायक हैं। दो विधायकों में से एक विधायक ने पहले ही त्यागपत्र दे दिया है और दूसरे विधायक को अदालत में दोषी पाया गया तो उनकी सदस्यता को जो है वो रद्द कर दिया गया। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका कहना है कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव है ये यूं देखते देखते गिर जाएगा, इससे मौजूदा सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है और जननायक जनता पार्टी, इन दोनों पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं है, आपस में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है। वहीं अगर जननायक जनता पार्टी के विधायकों की बात करें तो एक विधायक है जननायक जनता पार्टी के जिनका नाम है देवेंद्र बाबली, वो डायरेक्ट सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि अगर मेरे एक वोट से सरकार गिर जाती है तो मैं सरकार के खिलाफ वोट दूंगा। वहीं बाकी के जो विधायक हैं जेजेपी पार्टी के वो सरकार के सपोर्ट में हैं, उनका कहना है कि नहीं, हम सरकार के साथ हैं। अब देखना तो काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो कांग्रेस ने लाकर बीजेपी के सामने रखा है इससे क्या निकल के आता है। वहीं अगर हरियाणा के गृह मंत्री की बात की जाए तो अनिल विजय ने कहा है कि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव रखा तो है सरकार के सामने, लेकिन सबसे पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका नाम है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, तो मौजूदा गृह मंत्री ने निशाना साधते हुए ये कहा है कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस पार्टी के भीतर कहीं ना कहीं जो विश्वास एक होता है वो हासिल करे, विश्वास मत हासिल करे, उसके बाद दूसरे पर जो है अविश्वास प्रस्ताव लाकर रखे। हालांकि विश्वास मत लेने के लिए 45 विधायकों की जरूरत है, 45 वोट चाहिए। मौजूदा स्थिति अगर देखा जाए भाजपा सरकार की तो 40 विधायक भाजपा के पास पहले से ही हैं, 10 विधायक जो हैं जेजेपी के पास हैं, 5 विधायक जो हैं निर्दलीय हैं और 2 अन्य पार्टी से हैं, तो कुल इतने विधायक हैं जिससे भाजपा सरकार को ये आराम से अविश्वास प्रस्ताव जो है ये भाजपा सरकार कहीं ना कहीं हासिल कर लेगी और अविश्वास प्रस्ताव को गिरा देगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री, क्या होता है यह अविश्वास प्रस्ताव का, क्या हरियाणा में सरकार गिर जाएगी, क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा अविश्वास प्रस्ताव का। जैसे ही कोई अपडेट आता है हम बहुत जल्दी आप तक पहुँचाएंगे। आप बस देखते रहिए डीएनपी इंडिया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करें। धन्यवाद।